हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि TDS का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने TDS से संबंधित मैंने पहले भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक ही वीडियो में बनाऊँ जिससे कि आपको TDS रिटर्न से संबंधित आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल में वीडियो है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अभी से लाइक करना ना भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, TDS का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको मोटे तौर पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको डिडक्टी का डिटेल्स प्रॉपर वे में बना के रखना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि उसका डिटेल्स में आपको क्या क्या आपको रखना है। दूसरा चीज़ है कि CSI फाइल आपको डाउनलोड करना है, वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा एंड लास्ट ये है कि इसके लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपको कहाँ से और फ्री में आपको डाउनलोड करना है। अगर ये तीन चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर लेते हैं और इस प्रोसीजर को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि TDS से संबंधित आपको रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए, इसे हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि आप डिडक्टी का डिटेल्स आप किस तरीके से रखते हैं। डिडक्टिव के डिटेल्स में अगर आप इतने कॉलम को अगर फिलअप कर लेते हैं तो फिर हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि आपका सीरियल नंबर है, नेम है, उसके बाद पैन नंबर, इनवॉइस अमाउंट यहां पर देना है, प्लस यहां पर पेमेंट क्रेडिट डेट यानी किस तारीख को आप अपने बुक में इसका एंट्री ले रहे हैं, उसके बाद TDS आपने कितना काटा है, डिडक्शन डेट आपको ज़रूर यहाँ पर मैंशन करना है, प्लस डिपॉजिट डेट, उसके बाद यहाँ पर BSR कोड और चालान नंबर। ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग TDS का पेमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें ये बैंक से ये टेंडर डेट हम लोग जिसे कहते हैं BSR कोड और चालान नंबर हमें वहाँ से मिलता है। तो ये आपको रिकॉर्ड प्रॉपर वे में रखना है हर एक क्वार्टर का। ये तो हमारा पहला काम हो गया। और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था कि CSI फाइल को आपको डाउनलोड करना है। और CSI फाइल क्या होता है, ये जो आपने फॉर्मेट बनाया है इसी के अगेंस्ट में वो सॉफ्ट कॉपी हमें NSDL के साइट से वो डाउनलोड करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसे किस तरीके से डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है चलान स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही दिख जाएगा जो कि आपको NSDL के साइट पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको टैन बेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपल वे में आपको अपना टैन नंबर लेना है, बाकी जिस क्वार्टर का आप लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो पीरियड आपको यहाँ पर से लेना है। जैसे कि हमारा ये सेकेंड क्वार्टर है तो हमें लेना है यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से, जबकि दूसरा क्वार्टर का जो पीरियड होता है वो 30 सितंबर होता है, लेकिन हमारा दूसरे क्वार्टर का जो चलान जो जमा हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है, तो हम यहाँ पर से अक्टूबर भी पकड़ेंगे, तो अक्टूबर का 10 तारीख हम लोग पकड़ लेंगे तो क्या होगा, सेकंड क्वार्टर का जितना भी चलान है उसके अंतर्गत हमारा सारा का सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आपको कैप्चा ले लेना है, देन व्यू चलान पे आपको क्लिक कर देना। देखिए, जैसे आप क्लिक कीजिएगा जितना भी आपका चलान होगा वो आपको यहाँ पर से दर्शा देगा। देखिए, हमारा यहाँ पर जो पहला चलान है वो इस क्वार्टर से संबंधित नहीं है, हमारा कोई लेट फाइन था किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो हमारा जो है तो ये वाला है जो कि हमने जो रिकॉर्ड रखा है उसके हिसाब से इसे हमें मैच करना। तो बस सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे वो अमाउंट आपको देना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है, देन कन्फर्म अमाउंट पे आपको क्लिक कर देना। देखिए, अब यहाँ पर क्या दिखला रहा है, अमाउंट आपका मैच कर चुका है और जो इसके अलावा एक और था चलान का डिटेल्स वो यहाँ से हट चुका है। अब हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। और जो तीसरा जो स्टेप था, हमें TDS के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिख देना है RPU यूटिलिटी डाउनलोड। ये देखिए, यहाँ पर टीन का आपका यहाँ पर साइट दिया हुआ है, तो ये आपको ऑटोमेटिक उसी साइट पे लेके जाएगा। आपको सिंपल वे में यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है,
तो आपको चले जाना है डाउनलोड्स, उसके बाद ईटीडीएस, क्वार्टरली रिटर्न्स, रेगुलर। क्लिक करने के बाद सिंपल वे में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, एनएसडीएल रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ये जो नीचे वाला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जब ये पूरा कंप्लीट तौर पर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ऐसे सिंपल वे में सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें यह आपका जिप फोल्डर में है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। तो इस पर हमें राइट क्लिक कर देना है और उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पर हमें सिंपल वे में क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में चले आना है, RPU 3.8, यानी कि 3.8 का ये वर्सन है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। जिस क्वार्टर में अगर ये चेंज हो जाता है तो उस क्वार्टर में आपको उसे एक फ्रेश सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो चलिए अब हमें इस पर क्लिक कर देना तो ये ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फाइल आपका तभी रन करेगा जबकि आपके इसमें जावा आपके पीसी में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पीसी में जावा ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का आपको यहाँ पर दिखेगा ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर सैलरी के अगेंस्ट में है तो 24 क्यू, अगर नॉन सैलरी है तो 26 क्यू आपको लेना है, तो हमें 26 क्यू पर क्लिक कर देना है। रेगुलर या फिर करेक्शन, करेक्शन तो नहीं है, वैसे मैंने करेक्शन पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको सीखना है तो आप TDS के प्ले लिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका पहला क्या है, फॉर्म का डिटेल्स है, दूसरा चलान का डिटेल्स है और तीसरा आपका डिडक्टी का डिटेल्स है। बस आपको ये पुटअप करना है, तो मैं आपको जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, टाइप ऑफ डिडक्टर जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जो भी आपका टाइप है वो आपको यहाँ पर से ले लेना है। आप कंपनी है, नॉन कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है। उसके बाद जब आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए डिडक्टर का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, यानी कि कंपनी का जो डिटेल्स है। उसके जब आप लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि जो टुडेज जो काट रहा है इसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। जैसे कि अगर कोई कंपनी होती है तो वहाँ का डायरेक्टर होता है, यानी कि जो भी जिसका साइन लगेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। तो उसका यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा पैन नंबर के साथ। जब इतना आपको हो जाए तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग इसे फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डाटा फिलअप कर लिया है। जब इतना कुछ हो जाए अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा चलान का। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब जितना आपको चलान ऐड करना है आपको यहाँ पर ऐड रो पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारा सिर्फ एक चलान है तो यहाँ पर हम 1 पुटअप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये इंसर्ट हो गया। अब बहुत ही ईजी है, बस आपका जो जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पुटअप करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो TDS का अमाउंट है वो यहाँ पर पुटअप कर देना है, 5975 है। उसके बाद सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर 00 ही रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, BSR कोड आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद टैब मार के आप आगे बढ़िए। जिस तारीख को आपने TDS काट के जमा किया है वो तारीख आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे कि हमने 7/10 को जमा किया है तो वो हम लोग यहाँ पर डेट को पुटअप करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको चलान का नंबर पुटअप करना है। चलान का नंबर पुटअप करने के बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि मोड ऑफ जो डिपॉजिट है थ्रू बैंक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नो रखना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, अदर में भी आपको 0 ही रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें 400 लेना है। तो देखिए चलान में बस इतना ही है। इस तरीके से आपका जितना भी चलान होगा आपको यहाँ पर ऐड करते चले जाना है। उसके बाद हमें चले आना है डिडक्टी के डिटेल्स में।
अब यहाँ पर देखें, अब आपको इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। अब आपके जितने चलान होते वो आपके यहाँ पर आ जाते। यहाँ पर हमारा एक चलान है, ध्यान ये रखना है कि अब इसमें नंबर ऑफ डिडक्टी आपका कितना है। जैसे कि हमारे इस चलान के अगेंस्ट में टोटल दो डिडक्टी है, तो हम यहाँ पर दो पुटअप करेंगे। हो सकता है कि आपका एक चलान के अगेंस्ट में 10 हो 20 हो 30 हो, जितने भी हैं वो आपको डिडक्टी का नंबर वो आपको देना है। तो क्या होगा, उस चलान के अगेंस्ट में जैसे कि हमारा चलान नंबर 1 है, उतने यहाँ पर रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो यहाँ पर हमारा दो रो इंसर्ट हो गया। कौन से चलान के अगेंस्ट में? वही सेम चलान के अगेंस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन को यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं, हमारा 94C है। डिफरेंस नंबर वगैरह देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट यह है कि डिडक्टी का आपका पैन नंबर सही सही होना चाहिए। नेम ऑफ द डिडक्टी आप शॉर्ट में भी उसका नाम डाल सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, तो हमारा 30/9 है, तो हम यहाँ पर इसे पुटअप कर देंगे, यानी 30/9 को क्रेडिट किया है। अब कितना अमाउंट हमने क्रेडिट किया है वो आपको फिगर यहाँ पे मेंशन करना है। 30/11 हमने यहाँ पर काटा है, सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस कुछ नहीं थी, इसे हमें 0-0 कर देना है। डिडक्शन डेट हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर से उसे पुटअप कर देंगे। रिमार्क्स रीजन में आप यहाँ पर वाई ले लीजिए। यहाँ पर डिडक्टी का आपको टाइप लेना है कि वो कंपनी है या नॉन कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी है। यहाँ पर रेट आपको पुटअप करना है 2%। बस इसी तरीके से आपको जो दूसरा डिडक्टी है उसका भी डिटेल्स आपको पुटअप कर देना है। तो सारा डेटा पुटअप करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। और देखिए फाइल का नाम आपको लंबा चौड़ा नहीं रखना है, आपको शॉर्ट पर रखना है। जैसे मैंने रखा Q2, देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब हम लोग फाइल को वैलिडेट करेंगे, तो क्रिएट फाइल पर हमें क्लिक कर देना है। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको CSI फाइल को सेलेक्ट करना है, दूसरे वाले ब्रॉस पे आपको क्लिक करके जो कि आपने TDS का फाइल बनाया है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना। ये देखें आपका फाइल वैलिडेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपने जो फोल्डर बनाया है उसमें आपका सारा फाइल आ चुका है। अब आपका ये TDS का फाइल पूरा बन चुका है। अब बात रही इसे अपलोड कैसे करना, इसे आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक तो पहला ऑप्शन है कि आपका ये जो फाइल बना है आप इसे ज़िप में कन्वर्ट करके आप इसे खुद इनकम टैक्स के साइट पे अपने से अपलोड कर सकते हैं अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ। और दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप वो ऑप्शन नहीं जानते हैं तो आप कारवी में जाएं या NSDL में जाएं, ये सारे फाइल को कॉपी करके या तो पेन ड्राइव में या फिर आप अपने CD में। उसके बाद 27A का आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर कर लेना है और वहाँ उस ऑफिस में जाके उसे अपलोड करवा लेना है। तो अब आपको वहाँ से क्या मिलेगा, टोकन नंबर, और वो टोकन नंबर आपको अपने शीट में ज़रूर मेंशन करके रखना है आगे के रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये सीख लिया होगा कि TDS का रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करना है। दोस्तों अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट नोट्स या फाइल वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से एक छोटा सा फिगर दे करके आप इसे सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।